Assalamu alaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. And if you are new member to this channel, then I hope कि आप इस channel को जल्दी subscribe कर लें और bell icon भी press कर दें ताकि आपको new videos की notification मिलती रहे और नई जो videos की assignments आ रही हैं वो भी आपको easily मिल जाएं. तो next हमारी assignment है gender issues in psychology PS5 512. एंड जैसे कि आप जानते हैं असाइनमेंट जो है इन्होंने अचानक से ही सारी असाइनमेंट्स दे दी हैं, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस वगैरह. तो इस तरह बहुत जो है वो लोड सारे स्टूडेंट्स पे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं, बार बार रिक्वेस्ट जो है वो एक ही सब्जेक्ट लेकर या डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आ रही हैं. तो पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख लें सारे बच्चे, एंड उसकी कोशिश की जा रही है बिकॉज एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि सारे असाइनमेंट्स जो है वो हम एक दिन में ही कवर कर लें. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि टाइम पीरियड आपके पास काफ़ी है, टाइम आपके पास 5 डेज टाइम है आपके पास, एंड देन ग्रेस पीरियड में भी 1 डे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है. सो ये जो आपका पर डे भी आपकी एक असाइनमेंट अगर हो जाती है देन इट्स वेल एंड गुड. सो उसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक दिन में ही आपको सारी असाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाए और फिर आप उसको सॉल्व आउट करेंगे. सो जो भी असाइनमेंट आपको मिल जाती हैं उसको आप कोशिश करें उसको सॉल्व आउट करें, लेकिन जो नहीं मिली उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र कर लें उसके लिए, वो भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह. तो कोशिश तो है जल्द अज जल्द बनाने की, बट जैसे कि जानते हैं कि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है और जो असाइनमेंट्स हैं वो सारी एक दिन में ही उन्होंने कर दी हैं, अपलोड कर दी हैं. सो लेट्स चेक के PS5 512 ये असाइनमेंट है जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी की, ड्यू डेट इसकी 23 है. तो काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो ईजी होकर इसको करें, अटैम्प्ट करें और ध्यान से करें, इसको खुद भी रिसर्च करें, इस पर जो मैं आपको गाइडलाइंस देती हूँ उसको भी फॉलो करें, एंड देन उसको खुद भी रिसर्च करके उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं आप. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को करके तो आप अपना जल्दी से उसको सबमिट करवा दें, एक बार खुद भी इसको चेक कर लें एंड देन अपने कॉन्सेप्ट्स भी देखें उसमें और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन बताई जाती है उसको भी चेकआउट कर लें, अपने हैंडआउट्स एक बार रीड करें एंड देन देखें उसको कि वाकई ये मैच कर रहे हैं उसके साथ कि नहीं. और ये जैसे कि आप जानते हैं कि नॉलेज आपसे वो बुक से ही हैंडआउट से ही शेयर किया जाता है, कुछ रिसर्च की जाती है देन कन्फर्म करके तो ये वीडियो बनाई जाती है, लेकिन फिर भी एक बार अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप टैली भी कर सकते हैं, जो मेरी एक्सप्लेनेशन है जो बुक में होती है उसको भी मैच कर सकते हैं आप, उसको कंफर्म कर सकते हैं. एंड देन लेसन नंबर 4 से है ये टॉपिक आपका थ्रेट्स टू जेंडर रिलेटेड रिसर्च है. इसमें असाइनमेंट की ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करना है, अपने अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट बायसेस जो कि मेंशन है आपके लेसन नंबर 4 में, और आप इसमें हैंडआउट्स में से इसको चेक कर सकते हैं. और ये आपके जेंडर रिसर्च में बहुत ज्यादा बायसेस वगैरह आते हैं इस तरह के, जो मेल फीमेल इशू आता है और डिफरेंट जो है वो बायसेस हैं, ये बायसेस हम आगे डिस्कवर करते हैं और इसको आप देन एनालाइज भी कर सकते हैं, जो बायसेस का इफेक्ट है या इम्पैक्ट जो आपकी रिसर्च फाइंडिंग पे होता है या आउटकम्स पे होता है, एंड देन आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं इस बायसनेस को ओवरकम करने के लिए. एंड देन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनका जो सिनेरियो है वो सिनेरियोस जो हैं वो आपने रीड आउट करने हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है बायस की एंड देन रैशनल प्रोवाइड करना है. सो असाइनमेंट जो है इसकी फोकस मेन है डिफरेंट बायसेस पे जो कि आपके लेसन नंबर 4 में मेंशन है जेंडर रिसर्च के हवाले से, एंड उसकी जो पोटेंशियल है उसको, उसका जो इम्पैक्ट है आपकी रिसर्च फाइंडिंग पे या आउटकम पे क्या होता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को डिफरेंट जो बायसेस हैं जो डिस्कस किए गए हैं लेसन नंबर 4 में उसके कॉज एंड इफेक्ट वगैरह बताए गए हैं. स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से लर्न करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जेंडर रिसर्च में और वो किस तरह जेंडर रिसर्च को इम्पैक्ट कर रही है, उस कैसे इफेक्ट कर रही है, उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, किस तरह मैनेज करना है, और जो असाइनमेंट है उसमें आपने एनालाइज करना है, ये डिफरेंट सिनेरियोस दिए गए हैं इसको एनालाइज करना है आपने, देन इसको आइडेंटिफाई करना है जो भी बायस यहाँ पर है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस सिनेरियो में कौन सा बायस यहाँ पर मौजूद है और जो कि इम्पैक्ट कर सकता है हमारी रिसर्च आउटकम को. सो डिफरेंट रिसर्चेज वगैरह इन्होंने किया है, जिक्र किया है, तो उसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें बायस कौन सा है. जो आपके जो लेसन नंबर 4 में काफ़ी बायसनेस की जो टाइप्स हैं वो बताई गई हैं और डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें से एंड्रोसेंट्रिसिटी है, ओवर जनरलाइजिंग है, जेंडर ब्लाइंडनेस है एंड डबल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरफेरेंस. तो ये 5 टाइप्स बताई हैं और स्नैरियो भी इन्होंने 5 ही बताए हैं. मार्क्स की जो कंट्रीब्यूशन है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन का 1 नंबर आपको मिलेगा, तो 5 नंबर आपको यहां से आपके हो जाएंगे जितने 5 जो सिनेरियोस बताए गए हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के 5 मार्क्स हो गए. एंड देन रैशनल जो आपने प्रोवाइड करना है यानी इसको लॉजिकल लॉजिक बताना है आपने उसका कि लॉजिक क्या है जो आइडेंटिफाई आपने किया है, तो किस सिनेरियो से किस बेस पे किया है, एंड देन उसकी जस्टिफिकेशन करनी होती है. तो जस्टिफिकेशन या रैशनल या लॉजिक वगैरह सारी एक ही चीजें हैं, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि रैशनल क्या चीज़ है एंड देन इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है आपने.
जो भी आपकी हैंडआउट्स में मेंशन है लेसन नंबर 4 में जो डिफरेंट थ्रेट्स हैं जो जेंडर रिलेटेड रिसर्च, यानी कि वो बायस वगैरह हैं कि जेंडर रिलेटेड जो बायसनेस आ जाती है, उस बायसनेस वो कौन कौन सी बायसनेस की टाइप्स हैं, कैसी कैसी बायस आ सकती हैं रिसर्च में, उसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले जो आपके पास जो पहला सिनेरियो है उसमें बताया है कि कंपनी की जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो कंडक्ट कर रही है स्टडी और इम्प्लॉई जो है वो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कि एम्प्लॉयज जो है वो कितना सेटिस्फाइड है अपनी जॉब को लेकर। सो डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है ओनली फ्रॉम द मेल एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर वो यूज कर रहा है टू क्रिएट पॉलिसी दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, यानी यहाँ पर जो उन्होंने मेल से ही डेटा जो है वो कलेक्ट किया है और फीमेल से और फीमेल को भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें। सो यहाँ पर तो मेन जो पहली चीज है हमारे पास जो पहला जेंडर बायस है वो एंड्रोसेंट्रिसिटी है। इट मीन्स कि आप जेंडर स्पेसिफिक यानी जेंडर सेंट्रल जो जेंडर है आप उस पर फोकस कर रहे हैं। सो मेल जो सेंट्रिसिटी है उस पर फोकस कर रहे हैं, यानी आप मेल पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं जस्ट और वुमेन पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर रहे हैं, और जो वुमेन की जो ओपिनियन है उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको आपने इग्नोर कर दिया है इसमें। तो ये जो है वो मेल फोकस्ड है, मेल सेंटर्ड है, तो इसको हम कहेंगे एंड्रोसेंट्रिसिटी, यानी जो पहला वाला है आपका बायस जो आपका थ्रेट है जेंडर रिलेटेड रिसर्च में एंड्रोसेंट्रिसिटी, जो कि बताता है कि आप मेल सेंटर्ड हैं इसमें और आपका जो मेन जो फोकस है सिर्फ मेल पे ही है, आप सिर्फ इश्यूज को मेल साइड से या मेल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और फीमेल पर्सपेक्टिव को आपने इग्नोर कर दिया है। सो ये इसका पहले का आइडेंटिफिकेशन है एंड्रोसेंट्रिसिटी। एंड देन रैशनल, इसने आप रैशनल जो है वो आपने यही प्रोवाइड करना है इसमें, आपने बताना है कि जो एंड्रोसेंट्रिसिटी है यानी ये जो कंपनी कंडक्ट कर रही है रिसर्च सिर्फ मेल फोकस्ड है, मेल सेंटर्ड है, यानी इसने जस्ट मेल से ही डेटा कलेक्ट किया है, तो जो ये मेल साइड से ही इश्यूज को देख रहे हैं या मेल पर्सपेक्टिव को ही जस्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इनका ड्रॉबैक है और इसी वजह से ये एंड्रोसेंट्रिसिटी में फॉल करती है ये सिचुएशन। एंड देन ये आपका रैशनल है। एंड देन सेकेंड है, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी कंडक्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर अ न्यू मेडिकेशन एक्सक्लूसिवली ऑन मेल पार्टिसिपेंट्स। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो मेडिसिन है उसके ट्रायल्स वगैरह ट्रायल्स किए हैं तो मेडिकेशन के न्यू जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उस पर किए हैं जस्ट, एंड क्लेमिंग दैट द ड्रग वुड हैव द सेम इफेक्ट्स ऑन बोथ मैन एंड वुमेन, यानी अब उसके बाद जो मेल पे उन्होंने जो मेल पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे उन्होंने मेडिकेशन वगैरह उनको दी है, ट्रायल्स लिए हैं उनके, उसके बाद उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये ड्रग जो है वो इसके सेम इफेक्ट्स होंगे मैन पे भी और वुमेन पे भी, यानी सिर्फ मैन पे करके एंड वुमेन पे भी उसको जनरलाइज कर दिया, और कंपनी जो है वो वेंट ऑन टू मार्केट द मेडिकेशन फॉर यूज इन वुमेन एज वेल, यानी वुमेन पे इन्होंने जरा भी रिसर्च नहीं की उस पर, उनको ऐड नहीं किया इस रिसर्च पे या फिर जब भी ट्रायल्स कर रहे थे, एंड देन लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट्स वगैरह जो फाइंडिंग इनकी आई तो उन्होंने वुमेन पे भी इसको जनरलाइज कर दिया कि ये वुमेन भी यूज कर सकती हैं, उनके लिए भी बेटर है। तो ये रिसर्च जो है जो फीमेल जो बायसनेस यहाँ पर हम देखते हैं फीमेल पार्टिसिपेंट्स को लेकर, ये ओवर जनरलाइजिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक ही पॉपुलेशन या सेम जो जेंडर है उससे इन्फॉर्मेशन लेकर देन उसको उसका जो आउटकम आता है उसको आप जनरलाइज कर देते हैं बाकी के सारे पार्टिसिपेंट्स जिसमें मेल भी है फीमेल भी है। तो आपने फीमेल के जो रिक्वायरमेंट या फीमेल के जो साइड थी पर्सपेक्टिव था उसको इग्नोर कर दिया और उसको जनरलाइज कर दिया कि ये मेल फीमेल दोनों पे यूज हो सकता है, हालांकि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो उसमें फीमेल को आपने ऐड नहीं किया था या फीमेल पे ट्रायल्स नहीं किए थे, तो जिसकी वजह से आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम दोनों पर कर सकते हैं। तो ये आपका ओवर जनरलाइजिंग का कॉन्सेप्ट है, उसकी डेफिनेशन आप रीड करें हैंडआउट्स में से, एंड देन रैशनल भी इसका यही प्रोवाइड करें कि आप एक ही पॉपुलेशन से या एक ही जेंडर से जब आप रिसर्च वगैरह की फाइंडिंग्स देते हैं आउटकम लेते हैं तो उसको आप दूसरी जो पॉपुलेशन या दूसरी जेंडर्स हैं उसको भी जनरलाइज कर देते हैं उस पर भी, और उसके लिए भी आप एप्लीकेबल उसको बना देते हैं, आप कहते हैं कि जी इस पर भी अप्लाई कर सकती हैं ये चीज़, लेकिन इस तरह नहीं होता, तो ये ओवर जनरलाइजिंग होती है। एंड देन थर्ड है, रिसर्च स्टडी इज कंडक्टिंग टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स। यहाँ पर देखें कि रिसर्च स्टडी जो है वो हो रही है लेकिन उसका हम इम्पैक्ट देखते हैं रिटायरमेंट का जो एल्डरली जो इंडिविजुअल्स हैं उन पर क्या है। स्टडी जो है कंडक्ट की जा रही है विद अ सैंपल ऑफ रिटायर्ड इंडिविजुअल्स ओवर द एज ऑफ 65 से जो अबव एज है इंडिविजुअल उनको स्टडी किया जा रहा है, उनका सैंपल कलेक्ट किया है, बट द रिसर्चर्स फेल टू कंसिडर जेंडर डिफरेंसेज इन रिटायरमेंट एक्सपीरियंसेस।
लेकिन जो रिसर्चर हैं अब वो फेल हो चुके हैं कि वो जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो उसको कंसीडर कर सकें अपनी जो रिटायरमेंट एक्सपीरियंसेस हैं उसमें। सो यहाँ पर जेंडर ब्लाइंडनेस का है, यानी आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया, आपने जेंडर डिफरेंसेस को कंसीडर ही नहीं किया और आपने मेल या फीमेल वगैरह को नहीं देखा या सेपरेटली उनको नहीं देखा कि मेल का पर्सपेक्टिव देखें क्या है और एल्डरली इंडिविजुअल्स में फीमेल का क्या है। तो इस चीज को आपने इग्नोर कर दिया और आपने उसको जेंडर डिफरेंसेस को कंसीडर नहीं किया, तो ये जेंडर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है। इसको रैशनल भी इसमें यही मेंशन करना है आपने, उसकी डेफिनेशन या उसका ही उसके बारे में बताना है, यानी जेंडर ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है कि रिसर्चर जो है उसने फेल टू अंडरस्टैंड या फेल टू सी दी जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि पूरे जो लाइफ के एरियाज हैं उसमें लाइफ के जो एरियाज हैं उसमें सब में आपको देखना होता है कि फीमेल साइड पर्सपेक्टिव क्या है, ये मेल पर्सपेक्टिव क्या है। तो इन दोनों को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, उन्होंने एक जेंडर डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया और एज इट इज जो है वो बना दी, रिसर्च कर दी उस पर। एंड देन फोर्थ है आपका, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स आर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन जेंडर रोल्स इन द वर्क प्लेस। अब जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया स्टडी जेंडर रोल्स पे वर्क प्लेस पे। They are collecting data from employees of a large corporation and asking about their perceptions of leadership qualities. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया है अपने एम्प्लॉयज से और लार्ज कॉरपोरेशन जो है वहां से एंड उन्होंने पूछा है कि उनकी परसेप्शन क्या है लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर इन बोथ मेल एंड फीमेल मैनेजर्स। यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान दी रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं कि जैसे कि अफकोर्स के मैन जो हैं वो आर नेचुरली मोर असर्टिव एंड अथॉरिटेटिव इन लीडरशिप पोजीशंस एंड वुमेन जो हैं टेंड टू बी बेटर एट स्पोर्टिव टास्क लाइक टेकिंग मीटिंग नोट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफिस इवेंट्स। यानी जो रिसर्चर है उसका पर्सनल यहाँ पर बायस आ गया है, पर्सनल उसका पर्सपेक्टिव जो है वो आ गया है। दीज कमेंट्स रिफ्लेक्ट देयर ओन बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट दी जेंडर रोल्स। यहाँ पर रिसर्चर का अपना एक स्टीरियोटाइप्स जो उसके थे वो आ गए हैं और उसके जो पर्सनल जो कमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं कि वो जेंडर जो बायसेस हैं या जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसके हवाले से उसमें इन्वॉल्व है। तो दैट इज डबल स्टैंडर्ड्स, यानी जो रिसर्चर है वो खुद ही कंटेमिनेट कर रहा है अपनी रिसर्च को या खुद ही बायसेस क्रिएट कर रहा है और इस तरह यानी अपना जो पर्सनल जो बायसेस हैं या पर्सनल उसकी जो स्टीरियोटाइप्स बने हैं जो उसकी पर्सनल पर्सपेक्टिव या थिंकिंग जो प्रेजुडिस हैं जो दूसरी जेंडर को लेकर या जेंडर रोल्स को लेकर वो अपनी ही उसकी स्टडी को अफेक्ट करेंगी एंड देन उसकी जो फाइंडिंग होगी या उसका जो आउटकम होगा वो कंटेमिनेट होगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है और यही उसका रैशनल है कि उसको वो कैसे कंटेमिनेट होगा और किस तरह आपने आइडेंटिफाई किया है कि इस सिचुएशन में कौन से जो बायसनेस है आ रही है, कौन सा थ्रेट है जो जेंडर रिलेटेड रिसर्च को हो सकता है। एंड देन नेक्स्ट है डॉक्टर स्मिथ जो है मेल रिसर्चर हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं स्टडी ऑन वुमेन एक्सपीरियंस विद वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ जो है वो मेल रिसर्चर हैं और वो स्टडी कर रहे हैं और वुमेन एक्सपीरियंस इसको लेके जो वर्क प्लेस पे वो एक्सपीरियंस करती हैं और ही हैज ट्रबल गेनिंग द ट्रस्ट ऑफ द वुमेन। उसको जो है वो मुश्किल हो रही है वुमेन का ट्रस्ट जो है गेन करने में, वो इंटरव्यू कर रहा है बिकॉज दे आर हेजिटेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंसिस विद द मैन। तो यहाँ पर जो जेंडर एक जेंडर को लेकर जो इंटरफेरेंस आती है तो सम वुमेन मे इवन विद होल्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ जो है वो कुछ शेयर भी नहीं करती इन्फॉर्मेशन दूसरी जेंडर को लेकर। आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने आंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर आप ये समझते हैं कि दूसरा जो जेंडर है वो हमें जिस तरह जज करेगी, तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और आप समझते हैं कि आप मिसअंडरस्टूड ना हो जाए बाय अ मैन, या फिर अगर फीमेल या फिर मैन है तो आप समझते हैं अगर मिसअंडरस्टैंड ना हो जाए बाय अ फीमेल। सो ये चीज है जिसमें आप इंटरफेरेंस देखते हैं आ जाती है इसकी अपनी परसेप्शन में और इस तरह के यानी जेंडर रोल्स की डिफरेंट जो परसेप्शन है सबकी। तो इंटरफेरेंस में आप इंटरफेरेंस लास्ट का टॉपिक है जो कि इसमें बताता है कि जो सब्जेक्ट की परसेप्शन आ जाती है उसको जेंडर के लेकर जो रिसर्चर को इंटरफेयर करती है कि वो एक्यूरेट फाइंडिंग को ले सके और उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। तो ये आपका लास्ट जो है इंटरफेरेंस का था, रैशनल भी इसी का यही है जो आइडेंटिफाई किया है आपने कि ज्यादा हम कॉन्शियस हो जाते हैं जब रिसर्चर जो करता है रिसर्च करता है अपनी, तो दूसरी जो जेंडर है ओपोजिट जेंडर है वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है कि हम जो है वो हमें जज किया जा रहा है या फिर हमें जज ना किया जाए मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए, तो आप अपने आंसर जो है उसको चेंज कर देते हैं मॉडिफाई कर देते हैं। आप समझते हैं कि अच्छा इंप्रेशन जाए आपका, लोग आपको अच्छा समझें स्पेशली थ्रू द ओपोजिट जेंडर। तो ये एक नेचुरल चीज है और कॉन्शियस मतलब आप जब हो जाते हैं तो ये सब हो जाते हैं।
तो ये था आपका, इसका रैशनल था इसके पीछे, यानी इसका लॉजिक क्या था, यानी आपने जो आइडेंटिफिकेशन किया उसका लॉजिक क्या था। तो आई होप आई मेड इट क्लियर। और एक और बात कि आपको जितनी भी असाइनमेंट बनाई जाती हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो इसका आंसर नहीं बताया जाता। इसका आंसर इसीलिए नहीं बताया जाता कि आप इस चीज़ को खुद ही करें, प्लेजरिज्म का कोई इशू ना आ जाए और आपके मार्क्स जो हैं उसकी डिडक्शन हो जाएगी अदरवाइज। तो आई प्रेफर कि आप जो मैंने गाइडलाइंस बताई जाती हैं उसी को फॉलो करें, देन आई होप कि असाइनमेंट में फुल मार्क्स आपके इंशाल्लाह सबके आएंगे। बट आपने अपनी उसकी क्रिएटिव राइटिंग अपनी करनी है और खुद से उसको क्रिएट करना है और खुद से बनाना है, अपनी वर्डिंग में इसको करने की कोशिश करनी है आपने। आइडेंटिफिकेशन सबकी ऑब्वियसली सेम ही होगी, तो आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी गई है जो सिंपल है, एंड देन रैशनल है, जो रैशनल प्रोवाइड किया जाता है, यानी जो लॉजिकली आंसर जो देना होता है या फिर जस्टिफिकेशन करनी होती है वो आपने खुद ही करनी होती है, उसमें आपने अपनी वर्डिंग से करना होता है। और दूसरे की किसी भी असाइनमेंट को कॉपी नहीं करना, अपनी असाइनमेंट को आपने खुद ही बनाना है। रैशनल को जो लॉजिक जो प्रोवाइड किया गया है, जो गाइडलाइंस यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल गई हैं, तो उसको देखते हुए उसको सुनकर आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वीडियो स्किप करेंगे देन आपको आंसर नहीं मिलेगा। और बाज़ुकात स्टूडेंट इसी तरह ही करते हैं कि वीडियो को बार बार स्किप करके देखते हैं कि हमें आंसर मिल जाए, या फिर जो असाइनमेंट सॉल्व हुई होती है तो उसको प्रेफर करते हैं कि ये असाइनमेंट सॉल्व है तो उसको देख के जल्दी से कॉपी पेस्ट करें एंड दैट्स इट। तो ये पकी पकाई खीर खाने का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा पाकिस्तानियों का बहुत पुराना है, तो उसको छोड़ दें काइंडली, अपनी जो है वो नए कॉन्सेप्ट्स बनाएं और नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कवर करें, साइकोलॉजी को समझ के पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसको खुद से करने की भी कोशिश करें, ताकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए। अदरवाइज आपको जो क्रैमिंग करते हैं उसका कोई फायदा नहीं होना, और एक ना एक दिन तो आपने जो भी क्रैमिंग करके अगर आप पास भी हो गए तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फायदा नहीं होगा, आप जाएंगे तो उसमें आप फेल ही हो जाएंगे। सो ये चीज़ें छोड़ दें करना, और अपनी भी थोड़ी सी एफर्ट किया करें, दूसरों के एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया करें। और जैसे कि बहुत से कमेंट्स भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन कहाँ है, तो सॉल्यूशन ही होता है, गाइडलाइंस आपको दे दी जाती हैं वो एक सॉल्यूशन ही होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और उनकी जो मिसपरसेप्शन है, यानी उसको वो समझते हैं कि सॉल्यूशन नहीं है तो हमें तो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हमें हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमने इतनी लंबी वीडियो वॉच की है। तो ये चीज़ें आप काइंडली इन चीज़ों को देखना छोड़ दें, और जो सॉल्यूशन आपको, जो ये गाइडलाइंस होती हैं ये सॉल्यूशन ही होता है, यानी एज इट इज आपको बता दिया गया है, अब पीछे क्या रह जाता है इसके। आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी है, रैशनल जो है उसका वो अपनी वर्डिंग में करना है आपने, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है, एक्सप्लेन कर दिया गया है कि हमने कैसे उसको आइडेंटिफाई किया है, कैसे रैशनल आपने करना है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं। और फिर भी स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे होते हैं कि इसका आप बता दें, इसका सॉल्यूशन बता दें, या इसका सॉल्यूशन नहीं बताया है, कमेंट्स वगैरह आते हैं। तो काइंडली इस तरह की चीज़ें छोड़ दें करना, और प्लीज़ इस अपनी जो है वो थोड़ी सी कमांड बढ़ाएं अपनी, थोड़ा सा खुद भी नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, थोड़ी सी एफर्ट करने की कोशिश करें, अपने हैंड आउट्स को रीड किया करें, एंड देन ध्यान से वीडियोस को भी सुना करें, और उसके बाद आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके आप असाइनमेंट कंप्लीट करके उसको डन करके देन सबमिट करवा के चलें जी, बस काम हो गया आपका। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं अवॉइड कर लें, आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें, थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लें, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे जो है वो मार्क्स से इसको करें, और अच्छा CGPA लेकर आएं, और नॉलेज के साथ, और नॉलेज भी गेन करें, जो पर्पस आपका मेन जो है, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको यही चीज़ें काम आएंगी। तो आई होप कि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, और लर्निंग जो है वो आपकी अच्छी चलेगी, और इस चैनल पे भी इसी चैनल जो इस चैनल का पर्पस जो है वो यही था कि लर्निंग की जाए, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपने क्लियर किए जाएं, और वो किसी भी तरह हो सकते हैं, असाइनमेंट के थ्रू हो सकते हैं, यानी असाइनमेंट में आपके कॉन्सेप्ट्स ही आते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके साथ साथ क्लियर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ें, दूसरी जो वीडियोज हैं इससे रिलेटेड भी, उसकी भी कोशिश की जाएगी बनाने की, जो दूसरे कंसेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके साइकोलॉजी के रिलेटेड। तो आई होप कि सबने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और बार बार आपको यूट्यूब पर सर्च ना करनी पड़े, और ये वीडियोस लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया करें, और अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करें अगर आपको पसंद आ जाती है वीडियो, अगर आपको आपकी हेल्प हो जाती है तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा कि आप एक अच्छा जो है वो कमेंट पास कर दें, या फिर एक उसको अप्रिशिएट कर दें एफर्ट को, जो दूसरे कोई भी इंसान आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड, और इफ यू हाँ कोई भी बात का माइंड नहीं करना, और थैंक यू सो मच, आई होप कि आई एम मेकिंग द थिंग्स ईजी फॉर यू गाइज, एंड ये चीज़ें सारी आपको हेल्प आउट कर रही हैं। सो दैट्स माई मोटिवेशन इंकरेजमेंट फ्रॉम यू कि आप उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, और बताते भी हैं कि आपको अच्छी ईजी जो है वो समझ आ गई है, या आपकी असाइनमेंट अच्छी हो गई है।
सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.